I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay Janina? Okay, so I'm Europe. Okay. But I live here. Okay. Love Indian food. I like when it's not too spicy, so. और वेदर ऐसा हो और पीछे बॉलीवुड का गाना बज रहा हो और चाय के चुस्के मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाए. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ए न्यू वीडियो एंड न्यू डे. सो टुडे इज 17 सितंबर. सो आज हम लोग आए हैं स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में, जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नमस्ते स्टॉकहोम. सो ये छठवीं बार यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है. तो इंडिया में जो सारे कल्चरल फेस्टिवल है और सारे जनता यहाँ पे उमड़ा हुआ है टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लव एंड आवर कल्चर. सो आगे आगे देखिए कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं. सारे इंडियन फूड और सारे इंडियन डांस, बॉलीवुड म्यूज़िक. सो ये सबको आपको मैं दिखाने वाला हूँ आगे. भारत की 75th जो इंडिपेंडेंस डे है, अमृत महोत्सव बोलते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे सारे इंडियन लोग इकट्ठा हुए हैं. तो ये उनका सेंट्रल एरिया है जिसको कुंत्रा गार्डन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं किंग्स गार्डन. तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है. यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फाउंटेन है, जो समर में बच्चे खेलते हैं. यहाँ पर बहुत सारे बार एंड कैफे है. तो यू कैन जस्ट कम हियर एट एनी टाइम इन द समर और इन द विंटर एंड यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली. एंड इफ यू कैन सी लाइक थोड़ा आगे ही हमारा वहाँ पे सारा कल्चरल फेस्टिवल वहाँ पे अरेंज हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है. तो जाते जाते ही पहले मैंने मिला इस्कन से आते हुए भक्तों से, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत प्यार से और बहुत भक्ति से ले रहे थे. उसके बाद मैंने मिला इस महानुभव से, जो बहुत ही अच्छा कैंपेन रन कर रहे थे वहाँ पे सेव सॉइल करके, और उसका बेनिफिट वो लोगों को बता रहे थे. हमेशा फाउंडेशन, ओके, इट इज सेव सॉइल मूवमेंट दैट, ओके, एंड देन ऑल डिफरेंट सॉइल्स आर देयर, आई लाइक डिफरेंट सॉइल्स, लाइक वी कैन सी दैट दिस सॉइल इज अंडर ट्री कवर एंड विद एनिमल वेस्ट विच ऑर्गेनिक कंटेंट. दिस इज कवर अंडर लेस ट्रीज, नॉट डेंसली देयर, ओके, एंड दिस सॉइल वी कैन सी दैट इट इज पुट मार्वल्स बाउंड्री दैट एंड विच इज विदाउट एनी कवर. और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे सारे इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड्स हुआ और आपका इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस हुआ, ये सारा का कैंपेन वहाँ पे चल रहा था, विच इज़ वेरी गुड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंडियन प्रोडक्ट्स. What is this all about? Yeah. So Speech Smriti is a forum for Indian art forms. It's for Indian classical music and dance art forms. And this is an volunteer organization. Okay. Where and this thing is just for awareness and promotion of the Indian art forms in general. Okay. And I am a student. Yes, I study at KDH. Okay. Yeah. But बड़ी अभी हम लोग जहाँ पे है वो रथ यात्रा के लिए हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं. To spread the rich culture of our Odisha. तो हमारे पास है सरेश भाई और हमारे पास है मृगांक भाई. भाई कुछ बोलना. जगन्नाथ कल्चर इन दिस लैंड, फॉरेन लैंड. जगन्नाथ इज बिलीव टू द जगोत्र नाथ उड़िया, मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. इट इज अ ट्रूली ग्लोबल इवेंट, रथयात्रा बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट द आइडिया नाउ इज टू बिल्ड अ चैरियट हियर लोकली. भाई मेरा क्योंकि अभी जो हम सोच कर रहे हैं द विजन इज बिग, राइट, कि इंडिया यूनिटी हम सोच रहे हैं. तो अगले साल जून 23 को जो रथ यात्रा है पूरी में, तो ऑल अराउंड दैट टाइम और द वीकेंड जब भी होगा, हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे एक चैरियट बनाएंगे. हमारे सारे उड़िया के लोग जो स्वीडन में स्टॉकहोम में सारे रह रहे हैं,
तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो होर्डिंग है रथ यात्रा का होर्डिंग, तो यहाँ पे सारे इकट्ठा हुए हैं। सो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि हम उड़ीसा के बाहर हैं, हम लग रहा है कि भुवनेश्वर में है, कटक में है। तो इट्स लाइक लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स व्हिच आई वुड से। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लाइक पीपल कैन कम एंड हेल्प अस इन मेकिंग दिस लाइक अ ग्रैंड सक्सेस टू बिल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट चैरियट इन स्कैंडिनेविया। थैंक यू। तो हमारे फूड जाने का पहला डिश था आलू चाट, जो आलू और डिफरेंट स्पाइसेस से बनता है। दो स्वीट होंडा, ये गर्म गर्म फ्राइड हुए हैं, Yanina. Okay, so are you from Sweden? No, I'm not from Sweden. I'm from Bulgaria. Okay. But I live here. I love Indian food. I like when it's not too spicy, so... Okay, so you like spices, okay. Yeah. So can you name some Indian food that you like the most? I like the grill, and I like the papadum, and I like these fermented pancakes. That is called dosa. Dosas. So have you been to India? I've been to India, yes. Yeah. So which city? I have never been really like touristing in India, but I've been to Rishikesh on a yoga retreat, and I've been to Tiruvannamalai 2 times. Ah, and I've been to Pondicherry as well. But did you like the vibe there in India? Like so much crowd? Yeah, I actually, strangely, I love it. I love the chaotic vibe that's kind of... Then you like this environment here, right? Yeah, I mean, I feel very... I don't like the queues, but yeah. Everything else I like. तो द बोंडा इज राइट, खाना तो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सब ठंडा हो गया है खाना, लेकिन हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो ये लेकिन दोस्त ने हमारे साथ धोखा कर दिया।
दुकान है जो आप मतलब सारे लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनके रेस्टोरेंट की, तो स्वीडन में सारे जो रेस्टोरेंट है वो वहाँ पे एक छोटा छोटा स्टॉल डाले हैं ताकि अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सो इंडिया का बहुत ही चटपटा खाना है, इसको गोलगप्पा भी बोलते हैं, गुपचुप भी बोलते हैं। सो व्हाट इज योर रेस्टोरेंट नेम? आपका अच्छा खासा बिजनेस हुआ आज? बिल्कुल नॉन स्टॉप, वी हैड टू, वी आर फिनिश्ड विद वड़ा पाव एंड देयर स्टिल पीपल आस्किंग फॉर इट एंड दे आर ओवर विद गाजर का हलवा एवरीथिंग, नाउ वी हैव पकौड़ाज एंड पानी पूरी एंड चाय। कब फ्यूचर में? बहुत अच्छा तो नहीं है, ये लोग जल्दी जल्दी में इसका अंदर का जो अच्छे से पका नहीं है तो इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, मतलब लोगों के डिमांड के नज़र में रखते हुए ये लोग ज़्यादा टाइम तक वो डालते नहीं है। कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड मिल जाए वही काफ़ी है, बट बारिश हो और वेदर ऐसा हो और पीछे बॉलीवुड का गाना बज रहा हो और चाय के चुस्के मिल जाए तो मज़ा दोगुना हो जाता। मैं आशा करता हूँ कि बॉलीवुड के गाने और भारतीय खाने का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला हो कि यहाँ पे रह रहे हैं इंडियन लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं नमस्ते स्टॉकहोम के जरिए अपने कल्चर्स को, बॉलीवुड के गानों को और भारतीय खानों को साथ सब लोग यहाँ पे मिलते हैं, बात करते हैं। सो इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम फॉर एवरी वन।